तो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमन एडिटिंग टिप्स फॉर एंड गाइस कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस आज का टॉपिक हमारा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग जो काफी ज्यादा कमाल का है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस तरह का फोटो कैसे एडिट किया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, फुल वॉच करना वीडियो को। तो गाइस जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज होगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले जाएगा इजीली, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेते हैं। और आप लोगों के पास ये पिक कार्ड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नया वर्जन का पिक आउट है गाइस, ठीक है। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके देन यहां पर ऑल फोटो पर क्लिक कर देते हैं। देन यहां से मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस जो भी चीज मैं यूज करूंगा इस वीडियो में पीएनजी वगैरह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस आप लोग इजीली। उसके बाद स्क्रॉल करके ऐड फोटो पर जाके देन यहां से मैं अपना मॉडल को फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। देन फोटो गाइस मैंने पहले से कट आउट करके रखा है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना सर आप लोगों को। अगर मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को अगर वन क्लिक में कट आउट नहीं करना आता है फोटो, गाइस जस्ट वन क्लिक में कट आउट करना नहीं आता है फोटो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख के डाउनलोड करके मतलब देख के वीडियो सीख लीजिएगा वन क्लिक में इरेज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर से फिर रोटेट पर जाना है और हमें कर रहा है रोटेट इस साइड लाना है, ठीक है, इस पोजीशन पर। उसके बाद यहां पर अच्छे तरीके से मिला के कर लेता हूं और आप लोगों इसी तरीके से लुक देके अपना फोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहां पर अच्छे तरीके से गाइस मिला लेता हूं पहले। तो गाइस ये हो चुका है, इसको इसको कर देते हैं डन। देन फिर से ऐड फोटो पर जाके फिर से मैं इमेज ले रहा हूं, इसी बैकअप में ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर अपने हैंड पर इसको अच्छे तरीके से यहां पर फिक्स कर लेना है। इसको ओपेसिटी कम कर लेना है, 84 रख लिया। उसके बाद इरेजर पर जाके और जो भी पार्ट है हैंड पर उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको लाइट ना करके कर लेता हूं, अच्छी तरीके से कर लेना है गाइस वरना लगेगा फेक है मतलब लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कर देना डन, इसको इसको ऊपर से देखो थोड़ा सा कम कर देता हूं, 98 रख ले, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर देते हैं डन, फिर से एयर फोटो पर जाते हैं और फिर से मैं एक पेंसिल ले रहा हूं। इस जैकेट का पेंसिल गाइस इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं और इसको अपने बॉडी पर फिक्स कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। और इरेजर पर जाएंगे और इसको यहां से इन्वॉल्व पर क्लिक करके इन्वॉल्व कर देंगे और यहां से इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से गाइस इसको यहां पर अच्छे तरीके से बस आप लोगों को टाइम देके ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा कमाल लगेगा गाइस, हमारा ये जो पूरा लुक है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूं। तो गाइस मैं जल्दी-जल्दी से कर लेता हूं, ठीक है। We'll be right back.
देन गाइस ये हो चुका है रेडी, उसके बाद कर देते हैं क्लिक। उसके बाद ऐड फोटो पर जाकर फिर से गाइस मैं पीएनजी ले रहा हूँ। ये पीएनजी लिया हूँ मैं और इसको यहाँ पर अपने हैंड पर इसको यहाँ पर सेट कर लेना इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके इसके बाद इरेजर पकड़ के इसको इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसको चला लेंगे। ठीक है तो ये गाइस हो चुका है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ इस तरफ से। उसके बाद गाइस कर देंगे इसको रिटर्न। हमें अब जाना है टूल्स पे, उसके बाद एडजस्टमेंट में यहाँ पर आ जाना है इफेक्ट में। देन यहाँ से हम ये वाले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इरेजर लेके इस सबको यहाँ से इरेज कर लेना है और अपने टी शर्ट के ऊपर मत रखना है ये इफेक्ट, ठीक है। इससे गाइस क्या हुआ कि जब मैं इसको लाइट रूम में मतलब एडिट करूँगा लाइट वगैरह, और गाइस आप लोगों को पता है फोटो का सबसे मेन चीज़ है लाइट एडजस्टमेंट, वो नहीं कर पाओगे तो आप लोग मतलब वो नहीं करोगे तो भद्दा लगेगा फोटो, मतलब मैच ही नहीं करेगा बैकग्राउंड से। मैच करने के लिए गाइस तो हमें लाइट रूम में जाके इसे एडिट करना है। गाइस मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। देन गाइस ये हो चुका है, इसको कर देंगे डन। उसके बाद गाइस ऐड फोटो पे जाएंगे, देन यहाँ से मैं एक अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि आप लोग को दिखाऊँगा कहाँ लगाना है कहाँ पर। ये रहा गाइस मेरा फोटो, इसको यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ मैं इतना। और यहाँ पर जो है इस पर आप लोग को अपना फोटो को सेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो गाइस मेरा पर यहाँ पर जो हो रहा है आप लोगों को नहीं होगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो इधर लेके और जो ये बाकी का ये जो बाकी का पार्ट होगा यहाँ पर इसको इस तरीके से आप लोग को इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, तो मैं फिर से एक ले रहा हूँ यहाँ पर गाइस, मैंने इसको नहीं किया था। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो गाइस जो हो गया उसके बाद कर देते डन।
देन ड्रॉप टूल पर जाके अपना इमेज सेव करना है गाइस। आप लोग यहीं पर से इमेज सेव करना है और कहीं पर से इमेज मतलब इस गाइस इसमें तो इस पेकार में तो कहीं तरीके का मतलब कहीं कहां कहां पर पता नहीं दिया हुआ है कि आप लोग यहां से इमेज सेव कर सकते हो, लेकिन आप लोग वहां से मत करिएगा। यहां पर थ्री डॉट पैक है, यहां पर से इमेज सेव कर लेगा। इससे क्या होगा गाइस कि आप लोग यहां से इमेज सेव करोगे तो यहां से क्वालिटी फोटो का नहीं जाएगा, ठीक हो, और बाकी तरह का जो देता है उससे क्वालिटी जाएगा, ठीक है। पिकार्ड में जो है वहां से आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से सेव कर लेना, तो मैंने कर लिया है। उसके बाद हमारे काम है लाइट रूम में, तो हम लाइट रूम में आ जाते हैं, ठीक है। ओपन कर लिया, उसके बाद मैं फोटो को ले लेता हूँ। गाइस आप लोग लाइट रूम आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से या क्रोम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट वीडियो पर आ सकता है, ठीक है, बाई चांस गाइस आ सकता है, ठीक है। आप लोग क्रोम से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं जिस वक्त जिस चीज़ का भी यूज किया उस फोटो में उस चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आते हैं, आउट को पहले यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। आपको इससे क्या होगा इसकी आप लोगों को फोटो में जो जो भी कुछ नहीं मतलब एडजस्ट नहीं रहेगा लाइट वगैरह वो आप लोगों को खुद ही एडजस्ट करके दे देगा, ठीक है। तो आप लोग आउट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कलर में और यहाँ से टीमर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। नंबर आ लेते हैं, ठीक है। इसको टेंट को थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद टेंट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन को थोड़ा सा जितना रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा इतना रख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाना है मिक्स पे और ह्यू को इतना कर लेना है, सैचुरेशन को इतना कर लेना है, मैं इसको इतना रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं लुमिनस पर, इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पे डेन ह्यू को ऐसे इंक्रीज कर लेता हूँ, सैचुरेशन को इतना रख लेता हूँ, लुमिनस को इतना रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस इस कलर पर, ठीक है, और इस ह्यू को थोड़ा सा मैनुअली गाइस हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इतना इंक्रीज कर लिया हो, बढ़ा लिया हो। सैचुरेशन को थोड़ा सा इतना रख लिया हो, देख सकते आप लोग। लुमिनेंस को थोड़ा सा इतना, उसके बाद इस पे इस कलर पे आ जाना है और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इस वाला को इंक्रीज कर लेना है और देन लुमिनेंस को थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस कलर पर, देन ही वो कर देते हैं, इतना कर लिया हो। सैचुरेशन को इस तरीके से मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लूंगा, यहाँ पर इतना रख लेता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद कर देते डन, देन यहाँ पर आते हैं इफेक्ट पर और क्लैरिटी को थोड़ा सा मैं
कर रहा है तो एक मिनट गाइस, यहाँ पर इतना रख लिया ठीक है। उसके बाद आना है बिगनेट पर, बिगनेट को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है गाइस, थोड़ा सा ही करना है ठीक है। उसके बाद आते हैं डिटेल में, डिटेल पर से थोड़ा सा शार्प, इससे क्या होगा इसकी आपके फोटो थोड़ा शार्प टाइप के दिखने लगेंगे ठीक है। थोड़ा सा आप जिस भी फोटो का एडिट करते हो लाइट रूम में तो शार्प हर एक फोटो में गाइस बना रहता है ठीक है। इससे क्या होता है गाइस कि हमारा फोटो का शार्प कुछ ज़्यादा खतरनाक रहता है, लेकिन शार्प टाइप का लगना रहता है ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इतना बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद कर लेता हूँ डन, हो चुका है। देन यहाँ देन गाइस आप लोग यहाँ पर से शेयर के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर सेव टू डिवाइस करके सेव कर ले जाएंगे जल्दी में ठीक है। उसके बाद ओके, तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना और वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम अपने किसी इसी तरह के कमाल की एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।